Good morning class. Welcome to the class of Engineering Academy for Mechanical section. That class is for RRB JE. तो क्लास जैसे सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं RRB JE का सिलेबस, ठीक है। उसी सिलेबस को कंटिन्यू बच्चों आगे करते हैं। ये क्लास में एक तरह से समझ सकते हैं आपकी ऑफलाइन लेके अपलोड कर रहा हूँ, ओनली बिकॉज क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं और छोटे टॉपिक में बार बार बीच में क्लास ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, तो टॉपिक्स आपको सारे मिल जाएं प्रॉपरली, उसके लिए मैं क्लास को छोटे छोटे हिस्से में बना रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज करने और टॉपिक्स को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो वेलकम बच्चों, मैं राहुल कोठियाल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों दिस क्लास इज फॉर मशीनिंग। मशीनिंग हम लोग कर रहे थे, उसके लास्ट के दो तीन टॉपिक बचे हैं, उनको जल्दी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा मशीनिंग सेक्शन भी पूरा हो जाए। तो एटलीस्ट मेरी तरफ से जो टेक्निकल सेक्शन है वो कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल और मेजरमेंट का तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कराने की। इंडस्ट्रियल का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता फिलहाल, मैं ज़्यादा चाहता भी नहीं हूँ आप टेक्निकल में बिजी हूँ, बिकॉज डेट एग्जाम का आ चुका है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आपका जो टोटल फोकस है अभी वो फिलहाल अपनी स्टेज वन की तरफ हो, ठीक है ना। बाकी जितना भी टाइम मिलेगा स्टेज वन के तुरंत बाद हम लोग उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेबस लगभग कंप्लीट ही है, ठीक है ना। एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है जो बचा है, तो वो कोशिश करेगा आप खुद से ही करने की, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैं भी इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ, मतलब मुझे भी इतना लुत्फ नहीं आता है कि मैं बोलूँ कि बहुत अच्छे से करवा दूंगा। तो कोशिश करें आप अपने से, अगर पॉसिबल हो पाया तो उसमें आपकी जरूर कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करूंगा, क्लियर है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है कटिंग फ्लूइड्स। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है मशीनिंग में कटिंग फ्लूइड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस पर भी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए उनके ऊपर हम लोग देखें आज टॉपिक को, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं नीचे लिखने की कोशिश करूंगा ताकि सबको दिखाई दे। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, जब हम कटिंग फ्लूइड्स की बात करते हैं, आप सभी को पता है कि कटिंग फ्लूइड्स मशीनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी मशीनिंग हम लोग करते हैं उसमें हमें पता है कि लॉट्स ऑफ हीट जनरेट होती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से चाहे वो चिप और टूल के बीच में हो या फिर मशीन सरफेस वर्कपीस और टूल के बीच में हो, ठीक है ना। मतलब टूल फेस और चिप के बीच में हो या फिर टूल फ्लैंक, ठीक है, टूल फ्लैंक और वर्कपीस के बीच में हो, तो यहाँ फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और उस हीट जनरेशन की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है हमारा वर्कपीस या टूल जो है वो हार्ड हो जाए, हो सकता है हमारा टूल और वर्कपीस जो है वो एक दूसरे में चिपक जाए, हो सकता है हमारा टूल और वर्कपीस जो है वो थर्मली एक्सपेंड कर जाए, और हो सकता है उसमें थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाए, किसी तरह का क्रैक फॉर्मेशन हो जाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर वी आर इन एब्सेंट विद कटिंग फ्लूइड, अगर हमने कटिंग फ्लूइड को एब्सेंट रखा है, नहीं लिया है, तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। तो ऐसे में हम लोग को देखना होगा कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो भी हम पावर लगा रहे हैं किसी भी कटिंग को करने के लिए, किसी भी मशीनिंग को करने के लिए, वो पावर कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, और इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरेशन। तो यहां पे हम यही बोलेंगे बच्चों कि एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, एक सेकेंड, an enormous amount of power loss, ठीक है ना, an enormous amount of power loss is due to heat generation or फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल
फेस, ठीक है ना, एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर इज लॉस या तो जनरेशन की वजह से या फिर टूल और सरफेस एंड वर्क पीस, ठीक है, चिप एंड टूल के बीच में, और या बोलें वर्क पीस और टूल के बीच में, ठीक है, तो इन के बीच में फ्रिक्शन होने से और उसके जगह हीट जनरेट होने से हमारा बहुत ज्यादा जो है वो पावर लॉस होता है। तो इट इज टू प्रिवेंट दिस लॉस वी नीड टू यूज सम कटिंग फ्लूइड्स। उसी वजह से हम लोगों को कुछ ना कुछ कटिंग फ्लूइड जो है वो यूज करना होता है। तो जब हम बात करते हैं कि हमें कटिंग फ्लूइड यूज करना होता है, तो अब हम देखें इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, तो आइए उनको देखते हैं। तो यहां पे बात करते हैं हम लोग बच्चों मेन फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है बच्चों कटिंग फ्लूइड्स के। फर्स्ट, जैसे कि हम बात करें टू कूल द टूल एंड वर्कपीस, वर्कपीस और टूल को कूल रखना, है ना, वर्कपीस और टूल को जो है कूल रखना हमारा पहला प्राइम फंक्शन हो जाता है। एंड टू कीप अवे द हीट जनरेटेड फ्रॉम कटिंग जोन। कटिंग जोन में, कटिंग जोन मतलब जहां पे टिप वाली जगह जहां पे कटिंग हो रही है उस जगह से हीट को जो है हमें दूर रखना होता है, ठीक है ना, उस जगह से दूर रखने में हेल्प करता है हमारा कटिंग फ्लूइड। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जैसे कि, जैसे कि इन हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दैट इज HSS। जैसे HSS की बात करें अगर हम, तो हमें किसी भी तरह से यह ध्यान रखना होता है कि HSS में टेम्परेचर जो है शुड नॉट बी अबोव 650 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 650 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इफ गोज अप, क्या होगा फिर, अगर 650 से ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, इट लूजेस इस हार्डनेस, वो अपनी हार्डनेस को लूज कर जाएगा और टूल जो है वो ब्रेक हो सकता है, उस फोर्स को वो नहीं झेल पाएगा, समझ आ रही बात। तो इस तरह के चेंजेस ना आए किसी टूल में तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टेम्परेचर पे ही काम करे, तो सर्टेन लिमिट ऑफ टेम्परेचर के अंदर ही काम करे, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक प्रॉपर कटिंग फ्लूइड जो उसके टेम्परेचर को लो रखेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा, समझ आए बच्चों बात। सेकेंड वन, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, टू डिक्रीज एडहेशन बिटवीन चिप एंड टूल, टू डिक्रीज एडहेशन, एडहेशन मतलब दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, चिपक सकता है टूल और चिप आपस में, तो वो चिपकने से रोकता है, टू डिक्रीज एडहेशन बिटवीन टूल एंड चिप, क्लियर है। थर्ड वन, ठीक है, तो टूल और चिप के बीच में एडहेशन को रोकता है। थर्ड वन बात करें तो कटिंग एक्शन इज इंप्रूव्ड ड्यू टू इंक्रीज शेयर एंगल, कटिंग एक्शन जो होता है वो भी इंप्रूव्ड होता है ड्यू टू इंक्रीज इन शेयर एंगल।
शेयर एंगल बढ़ने से जो है वो कटिंग एक्शन भी जो है वो और बेटर हो जाता है और इम्प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर है? और तीसरा चौथा फंक्शन क्या बोले, टू वॉश अवे द चिप, जो चिप्स हैं उनको भी वॉश अवे मतलब उनको भी बहाने के काम आता है। कंटिन्यूस अगर कटिंग फ्लूइड हमारा गिरता रहेगा तो जो भी चिप है वो वहां पे एट द कटिंग जोन टिप पे जमा नहीं होगा, ठीक है ना। तो टू ऑल्सो यूज टू वॉश अवे द चिप फ्रॉम द कटिंग रीजन। समझ आ गई बच्चे बात, ठीक है ना। ऐसे ही और पॉइंट की बात करें हम लोग, ऐसे हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, टू डिक्रीज वियर एंड टियर। टू डिक्रीज वियर एंड टियर ऑफ अ टूल बाय विच, उसके वजह से क्या होता है, टूल लाइफ जो है वो इंक्रीज करती है, टूल लाइफ इंक्रीजेस। बच्चे ये सारे फंक्शन है कटिंग फ्लूइड के। कई बार हमें पॉइंट ज्यादा याद नहीं आते, बस दो ही चीजें पता होती हैं कि कूलिंग और लुब्रिकेंट के लिए पर्पस का यूज होता है। लेकिन ऐसे इस तरह से अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मोर देन ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है ये सभी पर्पस जो है वो कटिंग फ्लूइड के लिए यूज करने वाले पर्पस हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बोले इट ऑल्सो इंप्रूव्स, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इंप्रूव्स मशीनेबिलिटी। इट ऑल्सो इंप्रूव्स मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। इट ऑल्सो इंप्रूव मशीनेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग मशीनिंग फोर्सेस। ठीक है, और एक आधा पॉइंट आप और लिख सकते हैं, सेवेंथ वन में यहां लिख देता हूं, एक आधा पॉइंट हम और लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, कोटिंग ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करता है। बच्चों किस चीज से प्रोटीन कोटिंग प्रोवाइड करता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन बाय विच रस्टिंग एंड कोरोजन विल बी प्रिवेंटेड। ठीक है ना, एक कोटिंग प्रोवाइड करता है जिससे कि एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो एंटर ना कर सके और रस्टिंग और कोरोजन जैसी चीजों से भी बचाता है। तो बच्चों ये सारे चीजें मिला के हम लोग ये बनते हैं फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड। आई होप आप लोगों को कटिंग फ्लूइड के फंक्शन सारे समझ में आए हो। अगर आपको फंक्शन समझ में आए हो तो अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड, कितने तरह के कटिंग फ्लूइड हम लोगों के पास अवेलेबल रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, तो देखिए बच्चों कटिंग फ्लूइड के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मेजरली जो क्लासिफिकेशन है उसमें वो तीनों ही टाइप आएंगे, मतलब तीनों ही तरह के मीडियम आएंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस।
लेकिन याद रखिए सॉलिड को हम एज अ डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं है, सॉलिड लुब्रिकेंट या सॉलिड हमारा जो कटिंग फ्लूड है वो अपने आप में वही है जब हम इस तरह के मेटल्स को मशीन करते हैं जहां पे समझ लीजिए हमें कटिंग फ्लूड की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं कई जगह पे कि ऐसे मेटल जहां पे हमें कटिंग फ्लूड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि ग्रेफाइट, ग्रे कास्ट आयरन, इस तरह के हमने देखे थे कि इन तरह की कटिंग में आपको कोई अलग से कटिंग फ्लूड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इन्हीं तरह के हमारे मेटल्स को हम लोग सॉलिड कटिंग फ्लूड बोल देते हैं, ऑटोमेटिकली ये एक सॉलिड कटिंग फ्लूड कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम कटिंग फ्लूड की बात करते हैं तो स्पेशली हमारे पास लिक्विड और गैस ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बोलें तो याद रखिए दे आर इन द फॉर्म ऑफ मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब हम बात करते हैं सॉलिड कटिंग फ्लूड की, ठीक है ना, तो सॉलिड कटिंग फ्लूड लिखना भी ठीक नहीं है, सिर्फ सॉलिड बोल सकते हैं। तो हम सॉलिड कूलेंट और लुब्रिकेंट की बात करते हैं तो बच्चों दोज मेटल्स विच एक्ट एज अ सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल, वो मेटल जो सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल कहलाते हैं, लाइक कौन कौन से आपने सुने थे, ग्रेफाइट, मॉलीबेडनम डाइसल्फाइड बोलते हैं पूरा, एंड स्टिक वैक्स एटसेट्रा, दे ऑल आर एक्ट एज अ सॉलिड कूलेंट या सॉलिड लुब्रिकेंट आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस पे और ज्यादा डिटेल में आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है, ये सभी जो हैं वो एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह बच्चों एक्ट करते हैं। इसलिए कटिंग फ्लूड्स में जो सॉलिड टाइप आता है वो हमारा यही सब कहलाता है ना। इंपॉर्टेंट होता है कटिंग फ्लूड जो लिक्विड और गैसेस हैं, खासकर लिक्विड्स, उनमें आपको थोड़ा डिटेलिंग पता होनी चाहिए बच्चों कि कटिंग फ्लूड में हमारे, ठीक है। तो याद रखिए इनको सॉलिड कटिंग फ्लूड मत बोलिएगा, इनको बोलिएगा सॉलिड लुब्रिकेंट बोल सकते हो आप, सॉलिड लुब्रिकेंट्स बोल सकते हो, क्योंकि ये एक तरह के फ्लूड नहीं है ना। सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनके लिए एक तरह से कह सकते हैं आपकी कटिंग फ्लूड रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो उनको सॉलिड आप कटिंग फ्लूड बोलो या सॉलिड लुब्रिकेंट बोलो, एक ही बात है, क्लियर है ना। अब बात आती है लिक्विड की, तो इसको मैं अलग से लिखता हूं बच्चों, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। इसी को ढंग से समझिएगा अब आप, अब बच्चों बात आती है लिक्विड कटिंग फ्लूड्स की। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट वे में आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके पेपर का पर्पज भी सॉल्व हो जाए और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो लिक्विड कटिंग फ्लूइड की हम बात करते हैं तो लिक्विड कटिंग फ्लूइड फेमस है बच्चों एफिशिएंट कूलिंग के लिए, है ना। लिक्विड कटिंग फ्लूइड फेमस है एफिशिएंट कूलिंग के लिए, ठीक है, एफिशिएंट कूलिंग होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ऊपर हो रहा है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब बिल्कुल सही है, ठीक है, एफिशिएंट कूलिंग। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं, वैसे तो ये सब चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपसे पूछूं मैं, तो बताइए स्पेसिफिक हीट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर मैं कोई कटिंग फ्लूड यूज कर रहा हूं तो बताइए
स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? स्पेसिफिक हीट ये पेपर में सीधा सीधा पूछ सकता है आपसे, स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई और लो। तो बच्चों इसका आंसर आप बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक हीट को समझते हैं तो बहुत इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता होगा स्पेसिफिक हीट क्या है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और सभी को पता है कि एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक केजी ऑफ मास ऑफ गैस को जितनी हीट देनी पड़ती है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, खुद ही अंदाजा लगाइए कि जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है इसका मतलब उतना हीट देने के लिए उसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा हीट दोगे तब उसका टेम्परेचर राइज होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो उसका टेम्परेचर राइज बड़ी जल्दी हो जाएगा, मतलब कम हीट दे के, स्पेसिफिक हीट कम होना मतलब एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए बहुत कम हीट देनी है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होना मतलब उसका एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए ज़्यादा हीट देनी है। तो यहाँ कटिंग फ्लूइड जो हम यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जल्दी राइज करना चाहिए कि धीरे धीरे? धीरे करना चाहिए ना, उसका टेम्परेचर राइज करना चाहिए बहुत ज़्यादा हीट लेने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो वो काफ़ी हीट लेगा तब जाके उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो ऐसे में एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे लिक्विड कटिंग फ्लूइड्स एंड हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट, उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। समझ रहे बच्चों बात, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई। क्लियर है? डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आप आराम से टिक कर सकते हैं अगर आपके समझ में आया है चीज, क्लियर है ना। तो हाई स्पेसिफिक हीट ठीक। तो ऐसे ही अगर हम बात करें और साथ साथ बोलें तो इट ऑल्सो हैव गुड वेटिंग प्रॉपर्टी। कैसी वेटिंग प्रॉपर्टी? वेटिंग मतलब गीला करना, किसको गीला करना? दैट इज मेटल को। गुड मेटल वेटिंग प्रॉपर्टी, इट ऑल्सो है गुड मेटल वेटिंग प्रॉपर्टी। ये मेटल के ऊपर पूरा पूरा उसे गीला करना जरूरी है, मतलब उसके अंदर वो एडहेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि वो मेटल को अच्छे से गीला कर सके। तो इट हैज गुड मेटल वेटिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो। समझ आए बच्चों बात? तो ये सब प्रॉपर्टी रहेगी तो वो एक अच्छा लिक्विड लुब्रिकेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है लिक्विड लुब्रिकेंट को लेके। अब लिक्विड लुब्रिकेंट की बात करें तो वो किस टाइप के होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, लिक्विड लुब्रिकेंट जनरली टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है वाटर बेस, जो वाटर बेसिस जिसको मतलब जिसका बेस जो होगा वाटर होगा, वाटर में हम कुछ एडिटिव्स मिलाएंगे और वो एक हम अपना कटिंग फ्लूइड बनाएंगे। एक होगा ऑयल बेस जिसमें हम ऑयल यूज करेंगे, उस ऑयल पे एडिटिव्स मिलाएंगे और अपना एक कटिंग फ्लूइड बनाएंगे। तो याद रखिएगा दो बेसिस आते हैं यहाँ पे, एक वाटर बेसिस एंड सेकंड वाटर बेसिस एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑयल बेसिस, ठीक है, वाटर बेसिस एंड ऑयल बेसिस। तो ये दो टाइप के हैं हमारे लिक्विड कटिंग फ्लूइड्स। तो इसमें बच्चों एक एक करके बात समझते हैं। सबसे पहले वाटर बेसिस की बात करते हैं, इनको हम वाटर सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। सबसे पहले वाटर बेसिस की हम बात करें, अब देखिए वाटर बेसिस में क्या है, बहुत अच्छी बात ये है कि इट इज एक्सीलेंट, चलो ऐसे लिख देते हैं, इट हैज एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी, इट हैज एक्सीलेंट कूलेंट प्रॉपर्टी या कूलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वाटर के पास बहुत अच्छी एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो कूलेंट तो बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट। अभी हमने बताया था ना उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है इसलिए वो बहुत एक अच्छा कूलेंट होता है। बट इट हैज पुअर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इट हैज पुअर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, उसके अंदर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी कम होती है, ठीक है ना। तो वो एक अच्छा कूलेंट तो है लेकिन एक अच्छा लुब्रिकेंट नहीं है, ये एक वाटर की प्रॉब्लम है।
तो वाटर एक अच्छा कूलेंट तो है बट इट इज नॉट अ गुड लुब्रिकेंट, दैट्स व्हाई इट कॉजेज, सो इट मे कॉजेज causes rust and corrosion, जिसके वजह से उसमें rusting और corrosion जैसी problem हो जाती है, ठीक है ना, it may causes rust and corrosion, इतनी सी बात समझ में आई बच्चों, clear है, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी disadvantage क्या है, and one more disadvantage, क्या आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर हम पानी गिराते हैं, पानी अगर हमारा गिरता है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर पानी गिर रहा है तो आपने देखा होगा पानी एक स्पेशल एरिया बना देता है, उसके थ्रू गिरता रहता है आगे, मतलब पानी गिरते ही सब जगह फैलता नहीं है, पानी गिरते ही सब जगह फैलता नहीं है, एक पर्टिकुलर शेप बना के गिरता है। अगर ड्रॉप्स की फॉर्म में भी गिर रहा है तो ड्रॉप स्लाइड बना देगा, उस स्फेरिकल बॉल की फॉर्म में गिरेगा, क्यों, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो वाटर का एक वन मोर डिसएडवांटेज और है कि इट हैज हाई सरफेस टेंशन, इज दैट इट हैज हाई सरफेस टेंशन, सो इट कैन नॉट स्प्रेड ओवर दी सरफेस, जिसके वजह से ये सरफेस पे बहुत ईजिली स्प्रेड नहीं करता, फैलता नहीं है, बहुत ईजिली पूरे सरफेस पे फैलता नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है वाटर बेसिस का। तो मतलब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलाना पड़ेगा जो इस तरह की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करे, तभी जाके वो एक बढ़िया वाटर लुब्रिकेंट बन पाएगा, बढ़िया वाटर कटिंग फ्लूइड बन पाएगा, क्लियर है। अब क्या मिलाएंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम आ जाते हैं वापस ऑयल बेस पे, समझ आए बच्चों बात, क्लियर है ना। क्या मिला सकते हैं उसको हम देखेंगे अभी कि क्या क्या मिला सकते हैं हम लोग और कैसे बनाते हैं उसको अभी हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं इस पे आगे, क्लियर है ना। अब बात करते हैं बच्चों ऑयल बेसिस की, ठीक है ना। लेकिन वाटर बेस का एक एडवांटेज भी है बच्चों, सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर मैं एडवांटेज बोलू वाटर बेसिस का ही, तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या, इजीली अवेलेबल, नॉन टॉक्सिक, कोई जहरीला नहीं है, इजी टू हैंडल, इजी टू स्टोर, ठीक है ना, स्टोरेज आसान है, हैंडलिंग करना आसान है, रीयूज रिसाइकल करना आसान है, ठीक है ना, ये समझ आई बात, ये सब कुछ आसान है और कॉस्ट चीप है ना, कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, इट इज अ चीप लुब्रिकेंट, चीप लुब्रिकेंट, क्लियर है, समझ आई बात। लेकिन वही है कि अच्छी लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम बेकार है, तो अगर वाटर में कुछ मिलाया नहीं तो बेकार है। तो ऐसे में हम बात करते हैं सेकंड ऑयल बेसिस की। तो ऑयल बेसिस भी बच्चों दो भागों में डिवाइड हो जाता है, अगेन ऑयल बेसिस जो है वो भी अगेन दो भागों में डिवाइड हो जाता है, क्लियर है। अब किन दो भागों में डिवाइड होता है, तो याद रखिए एक भाग कहलाता है इसका मिनरल ऑयल बेस्ड, तो मैं आपको बता देता हूं एक एक करके, ठीक है ना, ऑयल बेसिस में। तो ऑयल बेसिस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, अब क्या क्या टाइप होते हैं आइए देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल ऑयल्स की, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, चलो उससे इजी पहले बात करता हूं मैं सॉल्यूबल ऑयल की। अब सॉल्यूबल ऑयल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सॉल्यूबल ऑयल आप लोगों ने क्वेश्चन में भी पढ़ा था, एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है सॉल्यूबल ऑयल। तो जब हम इसकी बात करते हैं, अच्छा क्यों है, बिकॉज इट इज अ नॉन एक्सपेंसिव टाइप, नॉन एक्सपेंसिव टाइप ऑफ लुब्रिकेंट या कूलेंट या कटिंग फ्लूइड, ये एक सस्ता टिकाऊ हमारा कटिंग फ्लूइड है जिसको हम सॉल्युबल ऑयल बोल रहे हैं, ठीक है।
नॉन एक्सपेंसिव टाइप, सस्ता है, चीप है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए ये किस किस के मिक्सचर से बनता है। और ये देखो वही बच्चों वही है जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको सोल्यूबल और इमल्शन भी बोलते हैं। तो आपको याद होगा कि आपने कहीं पर भी लुब्रिकेंट देखा होगा यूज करने वाला, वो आपने कुछ किस कलर का देखा है, लगभग आपने कुछ व्हाइट कलर का देखा होगा। तो आइए बच्चों याद रखिए दैट इज द सोल्यूबल ऑयल। तो उसमें क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस ऑयल, ठीक है ना, वाटर भी मिक्स होते हैं, ऑयल भी मिक्स करते हैं, प्लस सोप, सोप एज अ इमल्सिफाइड एजेंट बोलते हैं इसे। सोप क्या यूज करते हैं, सोप एज अ इमल्सिफाइड एजेंट यूज होता है, ठीक है। तो जो हमें क्या है लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है और क्या है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। तो वाटर प्लस ऑयल प्लस सोप, याद रखिएगा इसका मिक्सचर कहलाता है हमारा सोल्यूबल ऑयल, ठीक है ना। और जो वाटर ऑयल का प्रोपोर्शन होता है, वाटर ऑयल इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है ना, जनरली मेन मिस्ट किस प्रोपोर्शन में ऐड किया जाता है, तो याद रखिएगा The proportion of water for one part of oil varies from 2:50, लगभग ये समझ लो 1:50, one part of oil in 50 part of water, तो लगभग ये रेशियो अगर डायरेक्ट बोल दूं मैं तो क्या रहता है 1:50 के पार्ट में, ठीक है, 1:50 के पार्ट में ये रेशियो हम लोग का रहता है। तो ऑयल जो है वो 1:50 पार्ट तक वेरी करता है, ठीक है ना, ऑयल जो है 1:50 पार्ट तक वेरी करता है ऑयल। तो 1 पार्ट ये रहेगा तो उतना वाटर रहेगा, 50 पार्ट ऑयल रहेगा तो 50 वाटर रहेगा, तो 1:50 पार्ट तक ये ऑयल वाटर वेरी कर, ऑयल जो है वाटर में वेरी करता है। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है ना, इस रेशियो में ऑयल वाटर रहता है, ठीक है। तो आपको पता ही है इट इज क्रीमी और मिल्की वाइट इन कलर। तो आप देखते ही हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला लुब्रिकेंट दैट इज कॉल्ड सॉल्युबल ऑयल, हमने क्वेश्चन में भी लिया था, ठीक है ना। तो ये सब इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जिससे ये हमें एक लुब्रिकेंट भी प्रोवाइड करता है। सोल्यूबल ऑयल जो है वो लुब्रिकेंट एज अ लुब्रिकेंट भी प्रोवाइड करता है, वाटर की अवेलेबिलिटी से वो कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, सोप की अवेलेबिलिटी से वो रस्टिंग और कोरोजन से भी बचाता है। तो ये सभी जगह जो है वो यूज किया जाता है इस तरह का लुब्रिकेंट, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबल ऑयल। और मैं आपको बताऊं अब यहाँ पे कुछ ऑयल्स और भी हैं जो आपको बताने चाहिए, दैट इज एक क्वेश्चन यहाँ पे और समझ गए सोल्यूबल ऑयल। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों और भी बनता है हमारे पास, दैट इज आपसे सिंपल पूछेगा मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल। अब देखिए आपसे सिंपल पूछेगा कि बताइए मिनरल ऑयल जो है वो कहाँ यूज किया जाता है। तो याद रखिए बच्चों यूज्ड फॉर लाइट, लाइट मतलब हल्की, लाइट मशीनिंग ऑपरेशंस, जहाँ मशीनिंग जो है वो थोड़ी सी हल्की हो, लो पावर यूज हो रही हो, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे हमारा मिनरल ऑयल्स, ठीक है ना, फॉर लाइट मशीनिंग ऑपरेशंस, ठीक है, और लो विस्कोसिटी वाला लाइट मशीनिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है मिनरल ऑयल। सेकंड इसमें बच्चों आता है फैटी ऑयल, ठीक है, लिमिटेड इन यूज बहुत कम यूज किया जाता है इस तरह का फैटी ऑयल, ठीक है ना, फैटी ऑयल जो है उसको बहुत कम यूज करते हैं बच्चों, बिकॉज के कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है ना, ऑपरेटर जो काम कर रहा है उसके ऊपर काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इस फैटी ऑयल के। ये वेपराइज होके ब्रीथ करने में नुकसान हो सकता है वेपर की फॉर्म में, तो इसलिए इसको बहुत कम यूज करते हैं ड्यू टू हेल्थ पर्पज, ठीक है ना, और यूज करना भी है तो सेकेंडरी यूज करते हैं, ठीक है। तो बस इसके बारे में ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना, इम्पोर्टेंट फैटी ऑयल आप कह सकते हो, जैसे लार्ड ऑयल। लार्ड ऑयल आपने देखा होगा, ये बटर टाइप का ऑयल होता है, जैसे बटर का ऑयल होता है ऐसे ही लार्ड ऑयल होता है, ठीक है ना, ये भी एक तरह का फैटी ऑयल है। थर्ड आता है बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल, दैट इज योर मिनरल लार्ड ऑयल। मिनरल लार्ड ऑयल ये काफी यूज किया जाता है, और कहाँ यूज किया जाता है तो याद रखिएगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फैटी ऑयल मतलब लार्ड ऑयल एंड मिनरल ऑयल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल ऑयल एंड लार्ड ऑयल। फैटी ऑयल और मिनरल ऑयल के इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसे मिनरल लार्ड ऑयल कहते हैं, ठीक है ना। और जो मिक्सचर होता है वो 10-40% वेरी करता है उसमें लार्ड ऑयल। तो लार्ड ऑयल जो होगा वो 10-40% वेरी करेगा मिनरल ऑयल के साथ, क्लियर है। और ये कहाँ यूज होता है तो याद रखेगा, यूज फॉर मशीनिंग या यूज फॉर हैवी मशीनिंग, ठीक है। जैसे ये लाइटले था, दिस इज फॉर हैवी मशीनिंग। जहां मशीनिंग बहुत हैवी होता है वहां पे हम इस तरह का मिनरल लार्ड ऑयल का यूज करते हैं, जहां पे हैवी मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं हमारे। समझ गए बच्चों बात, क्लियर है, ठीक है ना, इतना समझ गए आप। चलिए ठीक है, और कुछ ऑयल के नाम आप और भी याद रखते हैं, जैसे सल्फराइज्ड कटिंग ऑयल, एक कहलाता है क्लोरीनेटेड कटिंग ऑयल। तो याद रखिए बच्चों, सल्फराइज्ड कटिंग ऑयल होता है जब मिनरल ऑयल पे के साथ मिक्स किया जाता है सल्फर, और जब मिनरल ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है क्लोरीन, तो ये बन जाता है क्लोरीनेटेड कटिंग ऑयल, ये बन जाता है सल्फराइज्ड कटिंग ऑयल। क्लियर है ना, समझ आ गई बात। तो क्लोरीनेटेड कौन सा हुआ, सल्फराइज्ड कौन सा हुआ, ये आपको सिंपल सा वे में ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक है ना। और ये करते क्या है, ऑब्वियसली बात है, याद रखिएगा, सल्फराइज्ड कटिंग ऑयल हो या क्लोरीनेटेड कटिंग ऑयल हो, ये आपको ध्यान रखना है कि जो सल्फराइज्ड कटिंग ऑयल होते हैं वो मेनली, या क्लोरीनेटेड कटिंग ऑयल की अगर हम बात करें तो मेनली वो क्या करते हैं, जो शेयर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, ये शेयर स्ट्रेस को, इट रिड्यूसेस शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये ऐड करते हैं। तो याद रखिएगा, इट रिड्यूसेस शेयर स्ट्रेस एंड टू प्रोड्यूस लो शेयर स्ट्रेंथ। लो शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, टू प्रोड्यूस लो शेयर स्ट्रेंथ, उसके लिए हम लोग ये ऐड करते हैं। तो ये है बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड जो हम लोगों ने डिस्कस किए। नाउ अब बात आ जाती है लास्ट हमारे पास गैसेस टाइप कटिंग फ्लूइड की, तो वहां आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं बच्चों। मैंने बोला बहुत लिमिटेड यूज है गैसेस टाइप का, ठीक है ना, जो मेनली आपको क्वेश्चन आ सकता है डिटेल में वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के ऊपर आ सकता है। तो याद रखिए, जब हम बात करें गैसेस कटिंग फ्लूइड्स की, तो याद रखिएगा, लिमिटेड इन यूज तो जनरली दो ही जगह यूज होता है, या तो हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग में, या तो हम यूज कर सकते हैं गैसेस का फॉर मशीनिंग दोज मटेरियल वेयर ओनली कूलिंग इज रिक्वायर्ड, ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ कूलिंग चाहिए, क्योंकि गैसेस में जो है वो पोर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कूलिंग भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है अगर एयर की बात करें,
लेकिन फिर भी कूलिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो लुब्रिकेटिंग वगैरह है प्रॉपर्टी वो इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसलिए हम क्या बोले, फॉर मशीनिंग दोज मटेरियल वेयर ओनली कूलिंग इज रिक्वायर्ड, जहां सिर्फ कूलिंग चाहिए वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं हमारे गैसेस लुब्रिकेंट को, ठीक है ना। और गैसेस लुब्रिकेंट की बात करें तो लगभग आता है लाइक एयर, एयर में जनरली हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हमारे मेनली आते हैं। बात करें हम लोग आर्गन, ठीक है ना, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है वो एक एज अ गैसेस लुब्रिकेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दीज ऑल आर गैसेस कटिंग फ्लूइड्स, गैसेस लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो लुब्रिकेंट्स तो कहना बेकार ही है ना, क्योंकि बहुत लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी ना के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्टिव कूलेंट काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज लिमिटेड टू ओनली इफेक्टिव कूलिंग, ओनली इफेक्टिव कूलिंग, ये एक इफेक्टिव कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। समझ आए उसके बाद बेसिक सी बात, क्लियर है ना, इस तरह से। तो ये थे बच्चों हमारे सॉलिड लिक्विड और गैसेस लुब्रिकेंट, ठीक है ना, जिन जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी एक आधा क्वेश्चन इस पर बनता है तो एक ही लेक्चर में इसका क्वेश्चन कवर हो सकता है बहुत आसानी से, तो बस एक लेक्चर आपको देखना है और एक क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ अब हम बात करें बच्चों कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जैसे कि मोस्ट कॉमन यूज्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम ऐड करते हैं, एक तरह से उन्हें एडिटिव्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये केमिकल्स कौन कौन से हम ऐड करते हैं और किस किस तरह की प्रॉपर्टीज में वो इंप्रूवमेंट लाते हैं, उनका एक लिस्ट सिंपल सा नोट करिए। जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट फॉस्फेट्स एंड बोरेट्स, फॉस्फेट्स एंड बोरेट्स। तो याद रखिएगा, अगर मैं फॉस्फेट और बोरेट केमिकल इक्विपमेंट याद ऐड कर रहा हूं तो ये क्यों ऐड कर रहा हूं, फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर में ये ऐड किए जाते हैं वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि हार्ड वाटर जो है वो और डिफिकल्ट हो जाता है सरफेस को पकड़ने के लिए, तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए फॉस्फेट्स एंड बोरेट्स का एडिशन किया जाता है। आपसे बोलता है एमाइंस एंड नाइट्राइट्स, एमाइंस एंड नाइट्राइट्स, बच्चों एमाइंस और नाइट्राइट्स भी आपको ध्यान रखना है कि एमाइंस और नाइट्राइट यूज करते हैं हम लोग फॉर रस्ट प्रिवेंशन, ठीक है। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें सोप एंड वेटिंग एजेंट्स की, तो अभी हमने देखा था कि सोप हम क्यों ऐड कर रहे थे और कोई भी वेटिंग एजेंट जो है हम लोग ले रहे हैं, जिसको इमल्सीफाइड एजेंट भी हम लोगों ने बोला था, ठीक है ना। तो सोप और वेटिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, एक तो लुब्रिकेशन के लिए, फॉर लुब्रिकेशन के लिए, और दूसरा एंड रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूस करें, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। बच्चों आप लोगों ने फ्लूइड में पढ़ा भी होगा कि सर्फेक्टेंट्स जो ऐड किए जाते हैं डिटर्जेंट्स वगैरह, वो हमारे सरफेस टेंशन लेयर को रिड्यूस करते हैं, वाटर की सरफेस टेंशन लेयर को ब्रेक करते हैं। तो ये सरफेस टेंशन लेयर को ब्रेक करने के लिए, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सोप एंड वेटिंग एजेंट भी ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम बोलें तो ग्लाइकोल्स भी ऐड करते हैं एज अ मिक्सिंग एजेंट, मिक्सिंग प्रॉपर करने के लिए ग्लाइकोल्स भी ऐड किया जाता है फॉर मिक्सिंग एजेंट, ठीक है। और लास्ट अगर हम बोलें यहां पे तो लास्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड जर्मिसाइड्स। आपको पता है कि हम एक ही तरह का कटिंग फ्लूइड जो है वो बार बार यूज करते हैं, तो लंबे समय तक उसे ठीक रखने के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रॉपर के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें किसी भी तरह की बैक्टीरिया फॉर्मेशन ना हो, वो खराब ना हो, क्योंकि वो एक सॉल्युबल ऑयल, एक ऑयल है। तो ऐसे में जर्मिसाइड्स हम लोग डालते हैं टू प्रिवेंट फॉर बैक्टीरियल प्रिवेंशन, बैक्टीरिया वगैरह होने से, बैक्टीरिया वगैरह की फॉर्मेशन होने से बचाता है, फॉर द कंट्रोलिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, फॉर बैक्टीरिया
फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रिवेंशन, ठीक है, बैक्टीरियल प्रिवेंशन। क्लियर है बच्चों? तो ये थे हमारे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आपसे पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ आई बात। अब देखो, हमने कूलिंग के, कूलेंट के बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं बच्चों, ठीक है ना, कूलेंट के हमने बहुत सारे फंक्शन स्टार्टिंग में लिखे, लेकिन अगर आपको कभी डायरेक्टली पूछता है सीधा सीधा कि मोस्ट कॉमन फंक्शंस क्या है या बेसिक एक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड क्या है, व्हाट इज द बेसिक एक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, याद रखिएगा बेसिक आपको तीन एक्शंस मेनली ध्यान रखने बच्चों, शॉर्ट में बोलूं तो कूलेंट, भाई ये तो क्लियर सी बात है कि अगर कूलेंट यूज कर रहे हैं आप, ठीक है ना, दूसरा एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट भाई कूलेंट यूज कर रहे हो तो क्या निकाल रहे हो, हीट, हीट को एग्जिट कर रहे हो, है ना, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है, हीट निकाल रहे हो। लुब्रिकेंट यूज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना, समझ आ रही बात। और थर्ड हम बोले तो थर्ड हम लोग क्या के लिए यूज कर रहे हैं, थर्ड हम यूज कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वर्क मटेरियल, रिडक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वर्क मटेरियल, जिससे कि वो आसानी से ब्रेक हो जाए और वर्क भी जो है संकेत टूट जाए, जिसको जिससे हमें क्या मिलेगा, एक मशीनेबिलिटी मिलेगी, मशीनेबिलिटी इंक्रीज कराता है। तो ये बेसिक से मेन पर्पस है बच्चों, जिसके लिए हम लोग कूलेंट का मेनली यूज कर रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक पर्पस फॉर विच वी आर यूजिंग अ कटिंग फ्लूइड, समझ आए बच्चों बात, क्लियर है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशंस पे, आइए लास्ट टॉपिक इसका रहेगा एप्लीकेशन। बच्चों मैंने शॉर्ट टर्म में देखो, इस लेक्चर को मैंने लाइव ले जाने का मेरा पर्पस यही था, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो लाइव लेक्चर में कई बार बहुत टाइम वेस्ट होता है हम लोग डिस्कशन करने में ये वो, और अभी मुझे पता है कि आप लोगों का डेट आ गया है आरआरबी जेई का, तो पूरा फोकस उसमें रहे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी किसी का टेक्निकल लाइव लेक्चर में टाइम खराब हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस लेक्चर को ब्लेम उसी टाइम पे रहा हूँ, लाइव ही ले रहा हूँ, लेकिन अनलिस्टेड करके बना रहा हूँ, ताकि अपलोड करूँ तो सीधा आपको लेक्चर मिल जाए जब आपको चाहिए, ठीक है ना। इस टाइम मैं लाइव के चक्कर में किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, बस ये है कि लेक्चर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, सिलेबस भी आपका पूरा साथ साथ हो जाएगा, छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं बच्चों, बस अब मैं उन्हीं टॉपिक पे ध्यान दूंगा, जो टॉपिक बीच में मैंने कोई छोड़े थे, इस बीच में आपको सभी लेक्चर पर लाइव नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे ही अपलोड कर दिया करूंगा डेली, आप लोग अपना उस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया कीजिए जब भी आपको मिलना है, पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। बाकी अभी अगर स्टेज वन क्लियर करना है, क्योंकि स्टेज टू का बेनिफिट तो तभी मिलेगा ना, तो इसलिए आप पूरा फोकस, ये 10-12 दिन बचे हैं, टोटल फोकस अपना नॉन टेक्निकल सेक्शन में दीजिए, उसको क्लियर करिए, उसके बाद वापस आ जाइए, फिर जम के से प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नहीं, सिलेबस हमारा तब तक हो चुका होगा, सिर्फ प्रैक्टिस, क्लियर है बच्चों। क्योंकि इसी बीच में मैं मेजरमेंट के भी एक एक करके वीडियो डाल दूंगा, तो बस उसके बाद हमारा कोई टेंशन नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है बच्चों, समझ आ गई बात। चलिए तो आगे चलते हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा कोई कि लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, लाइव से मतलब नहीं है, लाइव से मतलब होता तो सिर्फ हमें व्यूज से मतलब होता है, तो यहाँ पे व्यूज तो आप देख ही रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देने से है, तो वो लाइव दें या हम अपलोड करके दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले थे बच्चों कटिंग एप्लीकेशन को लेके, कि इन कटिंग फ्लूइड को अप्लाई कैसे किया जाता है, तो याद रखिए एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ कटिंग फ्लूइड, ठीक है, इनको अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, जब कटिंग फ्लूइड को अप्लाई किया जाता है, तो सबसे मेन बात जो ध्यान रखी जाती है कि इट मस्ट पेनिट्रेट, जो कटिंग फ्लूइड है वो पूरी तरह से पेनिट्रेट, मतलब अंदर चले जाना चाहिए, टू द पॉइंट ऑफ द टूल, टू द पॉइंट ऑफ टूल, मतलब जो टूल का टिप है उस पे प्रॉपर कटिंग फ्लूइड चले जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें ये हमारा मान लीजिए टूल है, तो बच्चों याद रखिए दो ही जगह, दिस इज द टूल, दिस इज द वर्कपीस एंड दिस इज द चिप,
तो हमारे पास दो ही जगह होती है जहां पे हम लोग कटिंग फ्लूइड का अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिए वो है पाथ ए और पाथ बी, में से नाम देता हूं और ये कहां कहां होंगे, दिस इज पाथ ए, दिस इज पाथ बी, ठीक है। तो पाथ ए और पाथ बी, ये दो पाथ होंगे बच्चों जहां से कटिंग फ्लूइड जो है हमारा एंटर कर सकता है, ठीक है ना। ये तो बेसिक सी बात है, सबके समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चिप का मोशन, चिप और वर्क, चिप और टूल के बीच में मोशन होता है, टूल के फेस के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लियरेंस जो आपने दिया है वो वर्क पीस और टूल के बीच में मोशन होता है। तो ऐसे में यहाँ पे कटिंग फ्लूइड की एंट्री मुश्किल होती है, एंट्री ऑफ कटिंग फ्लूइड is prevented by chip and tool face, किसमें, in path A, A path में जो entry है वो cutting fluid की, वो prevent, वो बच रही है किससे, वो बच रही है आपकी chip और tool के face के बीच से। और B path में जो है entry of cutting fluid is prevented by क्लियरेंस फेस बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, टूल और वर्कपीस की क्लियरेंस से प्रिवेंट हो रही है। तो यहां पे इन दोनों से प्रिवेंट होती है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें बच्चों तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, दैट देयर विल बी अ greater tendency of fluid to penetrate from path B. तो ज्यादा टेंडेंसी होती है कि पाथ बी से फ्लूड जो है वो इजिली एंटर कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है अंदर तक, ठीक है ना, क्योंकि यहां तो चिप जो है वो पूरा टच करके चलता है, तो इसीलिए पाथ बी से एंट्री जो है वो ज्यादा इजी है, हमारा पेनिट्रेशन ज्यादा आसान है। और दूसरी चीज आपको याद रखिएगा, फ्लूड शुड बी ट्रांसमिट विद हाई स्पीड फॉर इफेक्टिव पेनिट्रेशन, ज्यादा बढ़िया पेनिट्रेशन के लिए कटिंग फ्लूइड की स्पीड जो है वो हाई होनी चाहिए, सो दैट इट ट्रांसमिट बाय पासिंग थ्रू नोजल। इसलिए हम लोग नोजल का यूज करते हैं, पासिंग थ्रू नोजल ऑफ डाया, ऑफ डाया, जनरली डाया की रेंज क्या लेते हैं, डाया ऑफ 0.3 to 0.375 mm, इस रेंज ऑफ नोजल डाया से हम लोग जो है कटिंग फ्लूइड को बच्चों पास करते हैं, जिससे कि उसकी स्पीड जो है वो हाई रहती है और हाई वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम जो है फ्लूइड का वो बेटर पास होता है और प्रेशराइज भी रहती है, एंड अंडर प्रेशर ऑफ अबाउट 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस लेवल तक का प्रेशर मेंटेन करके चलते हैं, तो उस तरह से जो है हमारी कटिंग जो है वो कटिंग फ्लूइड जो है वो प्रॉपरली एंटर कर पाता है। तो बच्चों ये सब है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड को लेके, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर है ना। अब देखिए छोटी मोटी चीजें डिस्कस आप इसमें और कर सकते हैं, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजें और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी पेपर में आता है कि स्पेसिफिक हीट कटिंग फ्लूइड की हाई होनी चाहिए, लो, तो आपको बता ही दिया मैंने, शुड बी हाई, सरफेस टेंशन हाई होना चाहिए, लो, शुड बी लो, ठीक है, मैं लिख देता हूं ये सब चीजें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है ना। तो कटिंग फ्लूइड के प्रोसेस पैरामीटर्स की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है ना, तो हमने बोला था स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई फॉर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। एज अ कूलेंट वो तभी अच्छा काम करेगी जब वो हाई होगी। हम सरफेस टेंशन बोले तो बहुत लो नहीं, बट इट शुड नॉट बी हाई, ठीक है। अगर हम विस्कोसिटी बोले, विस्कोसिटी भी पेपर में आता है, तो बच्चों याद रखिएगा विस्कोसिटी हाई और लो नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। इट इज ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब उपयुक्त, एक ऑप्टिमम लेनी पड़ेगी आप विस्कोसिटी। ज्यादा हाई भी नहीं ले सकते, ज्यादा लो भी नहीं, क्योंकि बिकॉज इफ टू हाई, अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी तो मोर लुब्रिकेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, मोर फ्लूड इज रिक्वायर्ड। भाई अगर ज्यादा हाई होगी तो फ्लूड जो है वो चिपक चिपक के बहुत आराम चलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लूड जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। इफ टू लो, अगर बहुत कम हो जाएगी तो वो चिपकेगा ही नहीं, वो बहता रहेगा उसके ऊपर, बहुत तेजी से निकल जाएगा बिना हीट को ट्रांसफर किए। इट मूव्स मोर फास्ट विदाउट एनी एडहेशन, एक प्रॉपर एडिशन किए बगैर निकल जाएगा। तो इसीलिए विस्कोसिटी हमेशा ऑप्टिमम बोली जाती है, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों जो ध्यान रखनी है। बाकी आपको कुछ और चीजें भी ध्यान रखनी है, जैसे टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, शुड बी नॉन टॉक्सिक, ठीक है ना। आपको जो कटिंग फ्लूइड यूज करना है, इट शुड नॉट हार्म एनी ऑपरेटर, ऑपरेटर को हार्म पहुंचाने वाला केमिकल यूज नहीं करना है। जो वर्क कर रहा है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई भी हार्म ना हो, ऐसा केमिकल आपने यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, क्लियर है। और सिलेक्शन याद रखिए, सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड शुड बी इंपॉर्टेंट। आपको कटिंग फ्लूइड ऐसे नहीं कि हमने बोला ये कटिंग फ्लूइड बेटर है सभी के लिए ये बेटर होगा, नहीं, आपको मटेरियल मटेरियल के हिसाब से कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन प्रॉपर करना है, ऑन बेसिस ऑफ मशीन्ड मटेरियल। जो मटेरियल मशीन करना है या जो टूल आप यूज कर रहे हो, वर्कपीस और टूल दोनों, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है कटिंग फ्लूइड का। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि कई सारे हमारे मेटल ऐसे होते हैं जहां पे आप कटिंग फ्लूइड यूज अगर करते हो बिना सिलेक्शन के तो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बोलूं, कॉपर, कॉपर अलॉय जो है वो स्ट्रेन्ड हो जाता है अंडर ऑयल, ऑयल के साथ, ठीक है ना। अगर ऑयल उसमें, ऑयल में ज्यादा प्रपोर्शन सल्फर का है तो फिर जो होगा आपका कॉपर जो होगा वो स्ट्रेन्ड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ऐसे कई सारे, कॉपर अलॉय गेट स्ट्रेन्ड when oil contain more sulfur, ठीक है, इस तरह हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, इसलिए प्रॉपर सिलेक्शन होना जरूरी है। जैसे हम बोले कि एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं यहां पे भी एग्जाम्पल लिख सकता हूं मैं, टाइटेनियम, यस टाइटेनियम का एग्जाम्पल है, टाइटेनियम गेट क्रैक्ट, टाइटेनियम जो है वो क्रैक्ट हो जाता है बच्चों, टाइटेनियम गेट क्रैक्ट when chlorinated, अभी हमने पढ़ा था ना, chlorinated oils या chlorinated cutting fluids is used, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक है ना। टाइटेनियम जैसा अलॉय जो है, टाइटेनियम अलॉय मेनली बात करो, टाइटेनियम अकेला तो नहीं, टाइटेनियम अलॉय गेट क्रैक्ट when chlorinated cutting fluid is used। तो अगर हम chlorinated cutting fluid use कर रहे हैं तो वहां पे टाइटेनियम जैसा जो है वो क्रैक कर जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि आपको प्रॉपर सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, प्रॉपर सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसे अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल, फेरस अलॉय, अगर फेरस अलॉय के साथ आप वाटर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, रस्टिंग, द चांस ऑफ रस्टिंग। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे एग्जांपल, इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करें तो इट दिस सिलेक्शन शुड बी प्रॉपर। तो यहाँ पे कटिंग फ्लूइड के लिए इन सब प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसका प्रॉपर टूल और वर्कपीस के बेसिस पे
सिलेक्शन होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप लोगों के बच्चे पूरा टॉपिक समझ में आएगा, दैट्स ऑल अबाउट कटिंग फ्लूइड, ठीक है ना। तो बस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने आपको बार बार बताई है, आप प्रॉपर अपने एग्जाम्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जो भी डिस्टर्बेंस अभी लास्ट वीक्स हुआ है वो कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है ना। होता तो कंट्रोल में जरूर क्लासेस को कंटिन्यू करता, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, तो खैर जोड़िए जो भी है, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहेंगी, है ना। तो बस लेक्चर मैंने वही बोला आपको, मैं अपलोड प्रॉपरली करता रहूंगा, लेक्चर्स आपको अपलोड करके मिलते रहेंगे। टॉपिक्स मैंने मशीनिंग में खत्म कर ही दिए हैं, बस मशीनिंग के बाद मैं ऐसे एक एक दो दो तीन तीन लेक्चर से आपको मेजरमेंट खत्म कर दूंगा। बच्चों इंडस्ट्रियल के लिए देखिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज इंडस्ट्रियल आपको खुद से पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर लगेगा ऐसा, क्योंकि इंडस्ट्रियल के लिए मेरे को सेपरेटली चीजें सोचनी पड़ेगी, एक बार चीजें मतलब है उसको पढ़ने का ढंग अलग है बिल्कुल, तो जिन चीजों में मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता मैं उसको छेड़ता भी नहीं हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। लगेगा समय देखेंगे तो बिल्कुल जरूर करेंगे, क्लियर है। तो चलिए बच्चों बस अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, बस इसमें दो टॉपिक हम लोग और लेंगे, एक गियर मैन्युफैक्चरिंग और एक गियर हीट ट्रीटमेंट, उनको भी मैं जरूर अभी आने वाले लेक्चर्स में टॉपिक ले लूंगा। तो आपको जब भी लगता है टाइम आप इन लेक्चर को जरूर पढ़िएगा, कंटिन्यू रखिएगा, नहीं तो अपने पास प्रॉपरली सेव करके अपनी प्ले लिस्ट में रखिएगा, जिससे कि आप प्रॉपरली उसे देख पाए। तो चलिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर स्टडीज और कंप्लीटली अपने फोकस रहिए अपने एग्जाम्स की तरफ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच क्लास।